नमो नमः सर्वेषां मंगलमयं भवतु। अद्य दशमी श्रेण्यां कृते संस्कृत गद्यस्य सुशिष्य उपमन्युः सुशिष्य उपमन्युः गद्यस्य पठिष्यामः। आजे सुशिष्य उपमन्युः अर्थात जने सुशिष्य उपमन्य विषय रे आज पढ़िबा। तांगु सुशिष्य बोले काहे कहा जाय छे अठारे उपस्थापना अछि देखिबा। एभले अनेक शिष्य अछन्ते किंतु उपमन्यक नाम ए संस्कृत साहित्य रे स्थानित होई छे। तांकर नाम स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई छे काहे कि आमे आज जानिबा। प्रथमरे पढ़िबा व्यासदेव विरचितात् महाभारतम् इति आर्षग्रन्थात् इदं कथावस्तु आनीतम् अर्थात् व्यासदेव विरचितात् व्यासदेवंकर रचनारु महाभारत बोली आर्षग्रन्थरु एही कथावस्तुटि आसिअछि। प्राचीन कालात् प्रचलित अर्थात प्राचीन कालरु प्रचलित होई आसुथिबा गुरु शिष्ययोः संबंधः अद्यापि अनुसरणीयः। गुरु शिष्य द्विंकर संबंध आजि मध्य अनुसरण करा जाउछि। आज्ञा गुरुनाम विचारणिया अर्थात आज्ञा गुरुनाम युक्त विचारणिया अर्थात गुरुंकर आज्ञा को विचारण करी ग्रहण करिवा उचित। इति नीतिरत्न प्रदर्शिता इति कहले बोले नीति ही युक्त अत्र नीति अत्र माने बोले एठारे एठारे लिपिबद्ध होई अछि अर्थात गुरुंकर विचार को गुरुंकर आज्ञा को विचार न करी आमे ग्रहण करिया उचित बोली नीति शास्त्र रे प्रदर्शन होई अछि। देखिबा ठा नीति रत्र अछि नीति ही युक्त रत्र हबो। आमे संधि विच्छेद को टिके ध्यान रखिबा। गुरु भक्ति अर्थात गुरुंकर भक्ति रे गुरु भक्ति हे शिष्यस्य निष्ठाया च सुफलमस्याम कथायाम अनुभवति कथायाम युक्त अनुभवति। गुरु भक्ति रे शिष्यंकर निष्ठा द्वारा कौन होता है ना सफल होता है यह कथायाम अनुभवति। यही कथारु हमें यही गद्यरु आम जानिपा अनुभूति मान एक कथा बुझीपरिया कौन सफल होकर कि निष्ठा थी शिष्यंकर कौन निष्ठा थी आभली भाव सफल होती आम आज पढ़ला मन रखा। ये उपरोक्त जो उपक्रम दि जाए उपक्रम संधि विच्छेद आसी थाए संधि विच्छेद खातार लिखा जहाँ संधि विच्छेद अच्छी बर्तमान आमे गल्प आम निजर पाठ्यपुस्तक पढ़वा। प्रथम पुस्तक पढ़ी शिखा आसीत धम्यस्य ऋषि उपमन्युर्नाम शिष्य अर्थात धम्य ऋषि उपमन्यु युक्त नाम उपमन्युर्नाम उपमन्यु नाम रे जड़े शिष्य थी आसीत कहले उपाध्यायस्तम अर्थात उपाध्याय युक्ततम उपाध्याय तम कहले गोरक्षणाय प्रेषयति स्म गोरक्षणाय कहले गाई रखापी प्रेरण कले स्म यह अतीत काल व्यवहार होने प्रेरण कले एवं स उपाध्याय वचनात् दिवा गाह रखित्वा दिवसख्यय उपाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नमस्कार
प्रथम आम शब्द को विच्छेद करवा उपाध्याय उपाध्याय वचनात् अर्थात गुरु वचन रु गुरु आज्ञा रु दिवाघरी दिन रे से गाई मान रखित्वा रखापी रक्धातु रक्तास प्रत्यय रखित्वा गाई मान रखापी दिवसक्षय कहले दिन शेष अर्थात यह संध्या समय को बुझा जा संध्या समय रे उपाध्याय सग्रत उपाध्याय युक्त अग्रत मैंने गुरु निकटने अग्रत शब्द लगी एणुक षष्ठी व्यक्तिर प्रयोग उपाध्याय से लिखाई देखा उपाध्याय सग्रत मान गुरु सम्मुखें स्थित अर्थात स्थात रुक्वा प्रत्यय स्थित ठिया हुए दंडायमान हुए ढा हुए नमस्कार नमः युक्त चकार से नमस्कार कले अर्थात गुरु सम्मुखें ठिया हुए से कौन कले ना नमस्कार कले केत संध्या समय रे पुणे अच्छे गुरुस्तम हृष्टम पृष्ठम दृष्ट्वा गुरु युक्त तम गुरुस्तम गुरु तांको हृष्ट पृष्ठ देखी वाच कहले दृष्ट्वा कहले देखी दृष्धातु रुक्त्वा प्रत्यय दृष्ट्वा देखि कहले वत्स हे वत्स अर्थात संबोधन करी कहिसंती एकर या संबोधन प्रथम हेबो हे वत्स केन वृत्तिम करसि तुम्हें किभली भाव वृत्ति करुछ एटारे तो मह अच्छी एणुक करोसी मैंने करुछ प्रयोग कर तुम्हें किभली भाव वृत्ति करुछ उपमन्युह गुरु प्रत्यवादित मान प्रतियुक्त अबाधित अर्थात से अबाधित मान बद्धातु कहले से उत्तर कहले उपमन्यु गुरु को उत्तर कहले भिक्षेण वृत्ति करूमि अर्थात भिक्षा द्वारा मो वृत्ति करुच्छी अर्थात भिक्षा करी मुझे चलुची उपाध्याय प्रतिवाच तापरे गुरु प्रतिवाच कहले उत्तर रे गुरु कहले मह्यम अनिवेद्य मह्यम युक्त अनिवेद्य मह्यम अनिवेद्य मह्यम अनिवेद्य भक्ष्यम तोया है बठारे चोया लिखा जाइए भक्ष्यम तोया न भक्तव्यम यार चोया अच्छे तोया हे भक्तव्य कहले भोजन करवा अनुचित मैंने मत नदे तुम्हें भिक्षा को भोजन करवा अनुचित यार तोया यार दि जाए चोया है तोया हे कौटा सर भक्तव्य मैंने तुम द्वारा हे यहाँ ठीक अच्छे ततः उपमन्युः तथा इत्युक्त्वा गुरवे सर्वं भक्ष्यं न्यवेदयत् तापरे उपमन्यु सेहिभले करे गुरवे सर्वं भक्ष्यं न्यवेदयत् गुरुंको समस्त भिक्षा निवेदन करदेले अर्थात अर्पण करदेले इत्युक्त्वा उपाध्याय तस्मादेव तस्मात् युक्त एव सर्वं भक्ष्यम अगृणात भक्ष्यम युक्त अगृणात भक्ष्यम अगृणात गुरु मध्य से गुड़ी को सबु से कौन कले भक्ष्यम अगृणात अर्थात सबु ग्रहण कले अगृणात ग्रहण कले